कहते हैं जब महाभारत का युद्ध होने लगा तो भगवान ने अर्जुन को कहा, चल भाई अब जरूरत है उसकी, वो वानर की जरूरत है, वर मांगा था ना, अब मांगने चलते हैं। बोले मैं नर हूँ, मुझे वानर की क्या जरूरत। बोला बेटा तू तो नर है, त्रेता में तो नारायण को जरूरत थी उसकी, चल मांग। बोला आप साथ चलो, अकेला नहीं जाता, खतरा है। तो भगवान साथ आए, हनुमान जी को बोला चलो भाई, युद्ध टल नहीं रहा, आपकी बहुत जरूरत है। हनुमान जी ने बोला शर्त है, मैं बिना भक्ति भक्ति के रह नहीं सकता। भगवान श्री कृष्ण बोले माँ लड़ाई होगी कि सत्संग होगा। बोला शर्त यही है, वहां तो हमारे राम जी भी हमारे को लड़ाई के बीच में भी ज्ञान देते थे। कृष्ण भगवान ने बोला चलो ठीक है, तुम्हारा भी काम करते हैं, चलो सही, मेरे सर पर ही बैठ जाना, लेकिन चल। तो कहते हैं कि हनुमान जी ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर सवार थे, इसलिए अर्जुन का तो बहाना था, भगवान कृष्ण ने गीता तो हनुमान जी को सुनाना था।